मुझे आज भी याद है कि यूनिवर्सिटी में कैसे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे फिरता था। वो कितना चाहता था वो तुम्हें, बहुत कदर करता था तुम्हारी, लेकिन तुमने हमेशा उसे नजरअंदाज किए, कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली लिया था, लेकिन क्या किया उसने मेरे साथ? रूमी एक निहायत ही लालची और खुदगर्ज लड़का है। वो और उसकी माँ मिलकर अब कोई नया गेम खेलना चाह रहे थे। उनको पता चला कि बाबा माजूर हो गए तो आ गए अपनी किस्मत आजमाने। वो सब कुछ है गलत फहमी। कोई गलत फहमी नहीं थी बेला, अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पे उन लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, वरना शाजमा जैसा एक और अजाब मुसल्लत हो जाता हम पर। मेरा दिल कहता है रूमी एक अच्छा लड़का है, बाहर का पढ़ा लिखा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें बहुत खुश रखेगा, दिलो जान से चाहता है तुम्हें। तुम कितनी भोली हो ना बेला, तुमने जिंदगी की सख्तियां और तलखियां नहीं देखी ना कभी। मैंने किया है इस एक साल के अरसे में, मैं जितनी सख्तियों को झेल चुकी हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी उम्र से 10 साल बड़ी हो गई। मैं अब पहले जैसी सारा नहीं रही, जो नादान थी, स्टूपिड थी, जिसे लोगों की पहचान नहीं थी। मैंने बहुत से चेहरों को बेनकाब होते हुए देखा है बेला, जिंदगी की बदसूरती और गुर्बत को बहुत करीब से देखा है। बहुत करीब से।